जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों बहुत सारे आयुर्वेद के जो कुश्ते जात होते हैं बनाने में बहुत मेहनत होती है और सबसे जो ज्यादा असर करते हैं वो कुश्ते ही करते हैं जो दांतों से बने होते हैं, या फिर ये अक्सीरी जो सिमलफार सिंगरफ या फिर जो रूही चीजें हैं उनसे बने होते कुश्ते वो ही ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि पहले जो जड़ी बूटियों से काम लिया जाता था वो थोड़ा देर से काम करती थी, करती वो भी बहुत बढ़िया थी, मगर आजकल जो कुश्तों का इस्तेमाल किया जाता है वो कुश्ते जो हैं वो दांतों से बने होते हैं और बहुत जल्द असर करते हैं और इसकी मात्रा जो वो भी बहुत कम रह जाती है। जैसे जड़ी बूटियों से बनी हुई औषधियां जो वो बड़ी बड़ी पुड़ियों में बांध कर दी जाती थी, तो आजकल ये कुश्ते हैं ये सिर्फ चावल आधे चावल रती के प्रमाण में दिए जाते हैं और इनसे जो आगे निकल जाते हैं जो कुश्तों को आगे और लंबा प्रोसेस करके बनाए जाते हैं तो उनको अक्सीर कहा जाता है। वो जो बड़े बड़े जो सन्यासी होते हैं जोगी होते हैं उनकी काढ़े हैं, उनकी मेहनत है, उनकी जो लगन है, जिन जो उन्होंने आगे तजर्बे कर करके बड़े बड़े हकीमे जो नुस्खों जो हकीम हैं उनको वो नुस्खे दिए, वो जो अपने मेहनत की वो सब का जो सिट्टा निकलता है। आज तो बहुत सौखा हो गया आयुर्वेद को, आपको बने बनाए नुस्खे अपने जो हम जैसे यूट्यूबर बन गए हैं, आपको बने बनाए नुस्खे जो अपने दिल के राज हैं वो सीधा ही बता दिए जाते हैं और आप लोग उसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो नुस्खा है ये हमने हब्बे तूफानी जो पहले किसकी वीडियो बना कर रखी हुई थी तो आज यहाँ हमने इसको अक्सीरी बनाया है, हब्बे तूफानी अक्सीरी जो हमारे मतब की शान है। ये एक गोली की डोज ना मर्दी वाले को जिनके लिंग में बिल्कुल तनाव नहीं आता उनके लिए ये वरदान है। जो लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोच रहे हैं नामर्दी के कारण, जहां अपने जीवन से खुश नहीं है, जीवन में कष्ट है नामर्दी के कारण, उनके लिए ये गोली जो है ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये हब्बे तूफानी अक्सीरी बहुत बढ़िया ये गोली है और इसके साथ और कुछ देने की जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ती। और इसको बनाने का नुस्खा, इसके अंदर लौंग दालचीनी जावित्री जाफरान रेग माही, इसके अलावा ये शिंगरफ, ये आग के दूध के अंदर बनी हुई, इसका वीडियो भी मैं डालूंगा, और ये मरजान मेरे हाथ से बनी हुई है मूंगा शाख ये भी, और कुश्ता चांदी ये देख लें आप, और इसको कुश्ता कली भांग के अंदर तैयार की गई ये डाली गई है। इसके अलावा इसके अंदर स्वर्ण भस्म ये दूध पेशवर कंपनी का डाला है मैंने और इसको कोटिंग की है मैंने ये स्वर्ण भंग की, ये भी मेरी अपने हाथ की बनी हुई है स्वर्ण भंग, इसकी कोटिंग मैंने इस गोलियों के ऊपर की है। तो इसकी लेने का जो तरीका है सिर्फ एक गोली रात को सोने के टाइम एक डेढ़ फुलका जो चपाती बोलते हैं हम, एक चपाती आपने लेनी है और उसकी चूरी कूट लेनी है देसी घी के साथ और उसके अंदर आप शक्कर चीनी जो अपनी मर्जी के साथ ऐड कर लें, उस चूरी को खा करके एक गोली आपने ये खानी है, एक गिलास दूध और उसके अंदर एक चम्मच देसी घी डालकर लेना है और एक गोली खाकर आपने दो दिन का वकवा देना है, फिर एक गोली खानी है। दूसरी गोली आपको बता देगी कि आयुर्वेद की क्या पावर होती है। जो लोग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं बिल्कुल ना मर्द हो चुके हैं उनके लिए ये जीवन में उनके वरदान पैदा कर देगी। और अगर जो भाई 30 गोली खा लेता है जिंदगी में कभी और औषधि दवाई खाने की जरूरत नहीं है, किसी नुस्खा खाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके सब मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। और जो लोग शादी से घबराहट करते हैं शादी नहीं करना चाहते अपनी इस वजह के कारण, वो चाहे दो दो बीवियां रख लें सभी को खुश करेंगे, ये मेरा वादा है। इस गोली को बनाने में तो मेहनत तो जो है वो सो है, मगर जो लोग इसको बना लेते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते, कभी भी उसको और नुस्खे के बनाने की जरूरत नहीं रहती। तो दोस्तों इस गोली का मैं नुस्खा भी पूरा डालूंगा, हाँ जो भाई नहीं बना सकते अगर बनाना चाहें तो मेरे से कांटेक्ट करें मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर आप मेरे से बनी हुई मंगवा भी सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है और मेरे मतलब पे सबसे ज्यादा बिकने वाली, ये लिफाफा मैंने भरकर रखा था, एक डिब्बा भरा था, आज ये यही बची है। तो
तो ये किसी की पैक करने की हुई है, मैंने किसी वैद भाई ने मंगवाई थी तो मैंने उसकी पैक की हुई है, और इसकी मैं वीडियो बस याद आ गया कि ये वीडियो भी बना दूं, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो बनाकर इस्तेमाल जरूर करें और बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। ओके दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।